हेलो फ्रेंड्स एडुकेशन एफ्रेक्ट चैनल में आपका स्वागत है हाजिर आपके लिए आज एक खास वीडियो को लेके इसमें हम बात करेंगे फिलहाल जो आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो रद्द हो गया था तो वो तो आपको सभी को पता ही है लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि आपके जो पेपर होने के चांसेस है वो कब तक बन रहे हैं और ये जो है हाई कोर्ट की जो कॉपी है ऑर्डर की कॉपी जो इसमें के केस लग गया था जिसमें दो मुख्य मांगे थी पहली थी कि इसकी जो जांच है लीकेज की वो सीबीआई को दे दी जाए और दूसरी इसकी जो बड़ी मांग थी वो थी कि जो पेपर है वो एच ही कंडक्ट करवाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो तो ऑर्डर पूरा है इसमें ये इस सब कुछ डिटेल दी होती हैं तो इसमें पैरा नंबर टू है जो इसमें ये कहा गया कि जो पेपर है वो एच पी एस जो हमीरपुर बोर्ड है वो करवाएँ पैरा नंबर तीन में आपकी जो जांच है वो सीबीआई को दी जाए इस तरह इसके रिगार्डिंग है लेकिन जो इसमें लास्ट में जो ऑर्डर हुए हैं आप देख सकते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर छः और सात ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है पटि पटिशन स्टैंड डिस्पोज टू अकॉर्डिंगली और पॉइंट नंबर सात पेंडिंग मिसलिनियस एप्प्लीकेशन इफ़ एनी शेल ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज ऑफ तो डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया है इस केस को सीधी सी बात ये है इस केस को इसलिए डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है क्योंकि पहला जो इसमें था कि सी को जांच दे दी जाए तो वो ऑलरेडी हो चुका था जब तक इसकी हियरिंग हुई और दूसरा इसमें जो एच पी पी एस सी को ये पेपर दे दिया जाए तो इसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आपके पास अब कोई वो भी राइट नहीं है बीच में क्योंकि प्रोसेस चल चुकी है तो अब आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप इस तरह की मांग उठाएं और ना ही ऐसा हो सकता है तो अब सीधी सी बात ये निकल के आ रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट ही ये पेपर कंडक्ट करवाएगा और जल्द ही ये पेपर आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसके लिए पुलिस विभाग की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये पुलिस विभाग ही आपका पेपर दोबारा लेगा और इसमें थोड़ा सा डिले इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो हिमाचल आ रहे हैं और 16 जून तक उनका 16, 18 जून तक उनका कुछ शेड्यूल है तो उसके बाद आपका एक तो इसमें दो खास बातें हैं तो 19 तारीख को आपका एक संडे आता है पेपर तो आपका संडे के दिन ही होगा तो आपको तय है तो इसमें उन्नीस तारीख के संडे को तो आपका जो पेपर है वो होना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगला जो संडे है वो आपका है छब्बीस तारीख को तो छब्बीस तारीख को आपके सेवेंटी परसेंट चांसेस है कि आपका पेपर छब्बीस तारीख को हो जाएगा अगर छब्बीस तारीख को इनकेस नहीं होता है ये पेपर तो इकतीस तारीख को इकतीस नहीं सॉरी तीन तारीख को ये आपका पेपर हंड्रेड परसेंट हो जाएगा तीन जुलाई को तीन जुलाई को ये लास्ट डेट है इससे आगे आपका पेपर ये नहीं जाने वाला है मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पेपर है वो छब्बीस जून को करने की पूरी कोशिश रहेगी अगर कोई टाइम लगता है किसी में ज़्यादा क्योंकि बहुत से पेपर प्रिंट भी होने हैं सत्तर हज़ार कैंडिडेट है इसमें तो अब देखते हैं इसमें क्या कुछ आता है इसमें अपडेट आपको पंद्रह तारीख से पहले पहले ही मिल जाएगी अगर आपका जो ये पेपर है छब्बीस तारीख को होता है अगर आपका पेपर छब्बीस तारीख के बाद होता है तब भी आपको कुछ ना कुछ आसार ज़रूर नज़र आ जाएंगे कि ये आपका पेपर जो है कब होने वाला है पंद्रह तारीख तक आपको क्लियर हो जाएगा और जहाँ तक बात रही डिपार्टमेंट की तो डिपार्टमेंट जल्द ही आपके लिए शायद से डेट जारी कर देगा और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें क्योंकि आपका जो पेपर है वो तो होना ही है वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा तो आप ये उम्मीद रखें कि छब्बीस या तीन तारीख को आपका जो पेपर है वो होने वाला है छब्बीस जून या तीन जुलाई को तो ये आज की कुछ खास अपडेट थी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ तब तक के लिए बाय बाय